लेकिन ये भिखारी महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है, तो समाजवादी पार्टी आज चंदा इकट्ठा करने वाली है। महाडा बीएमसी की जितनी ओपन प्लॉट्स है, सारे प्लॉट्स पे कहीं ना कहीं भू माफिया गोपाल शेट्टी, योगेश सागर, कमलेश यादव, बाला दौड़े वहां पर बाउंड्री मार के गरीबों का झोपड़ा तोड़कर उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। शाखा नव न्यूज, सच की बात हक के साथ। नमस्कार, शाखा नव न्यूज में आपका स्वागत है, मैं खुशी नायक। समाजवादी पार्टी द्वारा महानगर पालिका आर साउथ के खिलाफ धरना प्रदर्शन और हल्ला बोल मोर्चे का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जयंती के अवसर पर चारकोप विधानसभा के अध्यक्ष अजहर सिद्दीकी द्वारा महानगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन तथा 90 फीट रोड से आर साउथ नगर पालिका तक पैदल यात्रा कर आर साउथ कार्यालय का घेराव किया गया। आइए जानते हैं फखरुद्दीन हाशमी की फील्ड रिपोर्ट। 20 मांगे आपकी क्या है, और इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, इसके चलते तो सब धरना वरना नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछले 2022 में भी हमने माननीय जिला अध्यक्ष जी के लेटर पैड पे हमने एक ज्ञापन इनको सौंपा था, बीएमसी ने मोर्चा लिया था। हमारे पॉइंट आप देखेंगे तो बहुत ही बेसिक पॉइंट थे कि 90 फीट रोड पे आप देखते होंगे डिवाइडर उखड़ गया है, जो 2019 से हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये भिखारी महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है, तो समाजवादी पार्टी आज चंदा इकट्ठा करने वाली है मुलायम सिंह के जयंती पे, और वो चंदे जो पैसा आएगा वो इनको दे के हम 90 फीट का जो गड्ढे का है वो भरना है। इसके अलावा आप देखे होंगे कि 90 फीट रोड पे रातों में किस तरह कचरा जमा होता है, क्योंकि इनकी दस्तक बस्ती योजना जो है वो सिर्फ पेपर में दिखाई दे रही है, धरातल पे इसका कोई ये नहीं है, जिसके वजह से हमारे लोग, गरीब लोग, जो जनता लोग, वो सड़कों पर कचरा फेंकने के लिए मजबूर हैं। शौचालय जो महानगर पालिका की है वो शौचालय सिर्फ नाम का है, लोग वहाँ पर रात में 10 बजे के बाद शौचालय बंद हो जाता है, सुबह भी जो शौचालय की सुविधा है वो भी गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती है। हमारी मांग है कि शौचालय को डे नाइट सर्विस दिया जाए, अगर रात में 11 बजे के बाद किसी को बाथरूम नहीं लगता है वो कहाँ जाएंगे। ये नगर सेवक की मानसिकता को दर्शाता है। आज जो नाले, जो जनता कॉलोनी नाले के बगल के जो सर्विस रोड बनी है, उस सर्विस रोड पर 15 शौचालय बनाने का काम किया गया, वहाँ जरूरत नहीं थी। ये शौचालय घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा भू माफिया को संरक्षण देने का काम ये सरकार कर रही है। 5 नंबर गली हो, अथर्वा कॉलेज के सामने हो, गरीब लोग जो वहाँ पर रोजगार में लगे थे, रह रहे थे, उनको बिना नोटिस दिए तोड़ा गया, लेकिन वही स्थानीय माजी नगर सेवक का झोपड़ा को संरक्षण देने का काम महानगर पालिका ने किया। मैं कहता हूँ कि अगर इंक्रोचमेंट है तो गलत, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबके लिए एक कायदा होना चाहिए। ये अमीरों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, कि गरीबों का झोपड़ा तोड़ दिया जा रहा है, लेकिन कमलेश यादव के अवैध निर्माण पे नकेल नहीं कसी जा रही है। कहीं ना कहीं उसका जो प्रॉफिट है महानगर पालिका के अधिकारियों को मिलता है। अभय जगताप को हमने 20 पॉइंट दिया कि नगर सेवक के संरक्षण में अवैध निर्माण का काम हो रहा है, जिसके वजह से कई मासूम बच्चों की जान गई, चाहे वो 5 नंबर गली का मामला हो, केडी कंपाउंड का मामला हो, लेकिन कानों में जुई तक नहीं रहेगा। लेकिन उनके द्वारा, उनके कॉन्ट्रेक्टरों के द्वारा 3 माला 4 माला की अवैध निर्माण का काम धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन अगर एक आम आदमी घर को रिपेयरिंग के लिए जाता है तो महानगर पालिका के अधिकारी अभय जगताप, जो कि भ्रष्ट अधिकारी है, उनका इस्तीफा होना चाहिए। वो नोटिस भेज देते हैं गरीबों के लिए, 10,000-20,000 मांडोली होती है, लेकिन आज गणेश नगर में नगर सेवक के छत्र छाया में, महानगर पालिका के छत्र छाया में जो अवैध निर्माण का कार्य हो रहा है वो गलत है। आज कृष्णा होटल के बगल में अवैध निर्माण के वजह से एक मजदूर की जान गई, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि ये वो अवैध मजदूर एक विशेष धर्म और एक विशेष जाति का था। कोई बात नहीं हुई, कोई FIR दर्ज नहीं हुआ, कोई MRTP का केस रजिस्टर नहीं हुआ। आज ये जो जिनके पास गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं है, अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। व्यायामशाला बनता है 2019 में KD कंपाउंड में, 2017 में BMC का फंड लगता है, 2 साल के बाद वहाँ बैनर स्टिकर चिपका कर महिला कल्याण केंद्र बन जाता है। ये एक ही स्ट्रक्चर पर दो दो कार्यक्रम जो हो रहा है,
महिला कल्याण केंद्र नहीं है, वो भाजपा कल्याण केंद्र है। वहाँ पर अवैध वसूली किया जा रहा है, 10,000-15,000 लोगों से लिया जा रहा है, और अगर अजहर सिद्दीकी को चाहिए तो नहीं मिलता है। ये भेदभाव क्यों? अजहर सिद्दीकी मतलब कहाँ से आते हैं भाई? या समाजवादी पार्टी इतनी गिरी हुई है कि वही महान उसी महिला कल्याण केंद्र में सबको जगह मिलेगा, कार्यक्रम के लिए होगा, भाजपा अपनी कार्यक्रम करेगी, लेकिन समाजवादी विचारधारा या और भी लोगों को कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं। पृथ्वीराज चौहान गार्डन, माननीय पृथ्वीराज चौहान हमारे आदर्श है, दिलों में बसते हैं। आज उसी गार्डन के ऊपर उनका फोटो ना होना, ये दिल को दुखाने वाला चीज है। हमने इस भ्रष्ट महानगर पालिका से पूछा था कि क्या गोपाल शेट्टी से कम स्तर है पृथ्वीराज चौहान जी का? नेताओं का फोटो बड़े बड़े होल्डरों में लगा है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी का फोटो नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले, अगर हमारी माताएं बहनों को शौचालय की आवश्यकता पड़ती है, रात में 10 बजे शौचालय बंद कर दिया जाता है, क्या डे नाइट की सुविधा नहीं हो सकती है? ऐसे बहुत सारे मांग है अवैध निर्माण के ऊपर, और सबसे प्रमुख मांग है, और जब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और जब तक उनका घेराव करेंगे, कि माजी नगर सेवक कमलेश यादव के बगल में जो हेल्थ सेंटर हुआ करता था, आप जाकर देख लीजिए, भाजपा सेंटर हो गया, भाजपा का कार्यालय हो गया। ये भूखी नंगी सरकार, ये लूली लंगड़ी सरकार, अंधी बहरी सरकार, ये महानगर पालिका को हमने बार बार चेताया कि जितनी भी अवैध पीएमसी की प्लॉट्स है, ऑफिसेस हैं, जिनको पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने कब्जा कर रखा है, उस कब्जे से छुड़वाइए। 2019 में बात हुई थी, उन्होंने कहा था कोविड है, टीकाकरण हो रहा, उसके बाद हम हटा लेंगे। आज तक वो, जबकि वो रिजर्व प्लॉट है, आज कम से कम 15 घंटा का वो प्लॉट है जिसमें वो निर्माण है, इसमें हेल्थ सेंटर है, उस सेंटर पे बीजेपी कब्जा, महिला कल्याण केंद्र पे बीजेपी कब्जा, यहाँ तक कि महाडा बीएमसी की जितनी ओपन प्लॉट्स हैं, सारे प्लॉट्स पे कहीं ना कहीं भू माफिया गोपाल शेट्टी, योगेश सागर, कमलेश यादव, बाला तौड़े वहां पर बाउंड्री मार के गरीबों का झोपड़ा तोड़कर उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। ये बीएमसी को दिखाई नहीं देता। ऐसे सारे पॉइंट पे जिसका हमने डिस्पैच कराया और पिछले 6 महीने से हम फॉलोअप कर रहे हैं, बावजूद इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। दस्तक बस्ती काम नहीं कर रही है, गरीब मजदूर हॉकर्स, आज समाजवादी पार्टी उन हॉकरों के सम्मान में यहाँ उतरी है। आज गरीब मजदूर जिनके पास पैसा नहीं है, सब्जी लगाते हैं, फलों का धंधा करते हैं, 95 रोड हो चाहे लिंक रोड हो चाहे ओल्ड लिंक रोड पर है, वहाँ पर बीएमसी के लोग जाकर हफ्ता वसूली काम करते हैं, उन्हें उठाकर उन पर चार्ज मारते हैं। आप देखिए हमारे जहाँ जहाँ हमारे गवंडी वगैरह में देखिए, हमने अलग से एक प्लॉट को हॉकरों के लिए, हॉकर्स मजदूरों के लिए वहाँ पर रिजर्व करा के उनको वहाँ पर बैठाने का काम किया। तो ये बीएमसी को दिखाई नहीं देता, ये वसूली सरकार है, ये पैसा वसूल कर अपने आकाओं तक पहुंचाकर और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इसीलिए इस अंधे बहरे लूले लंगड़े गरीबों की महानगर पालिका के खिलाफ आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जयंती के दिन मजबूर होकर समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे साथी लोग यहाँ आए हैं और धरना मोर्चा के लिए बाध्य हुए हैं, और इस सारे पॉइंट्स को लेकर हम यहाँ आए, और हमें पूरा विश्वास है उस पर बात होगी, और बात होने के बाद उसके कार्यक्रम। आज बहुत सारे अवैध निर्माण है, भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने अवैध कब्जा करके वहाँ बैठे हैं, चाहे वो चारकोप इंडस्ट्रियल का मामला हो, चाहे वो एकता नगर का मामला हो, हर जगह। लेकिन जहाँ कोई गरीब आदमी थोड़ा 1+1 बनाने लगता है, तुरंत नोटिस आ जाता है, तुरंत वहाँ पे वसूली के लोग पहुँच जाते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हुए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के राह पे चलते हुए, समाजवादी के तमाम नौजवान साथी आज धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि अगर ये नहीं सुने तो न्यायपालिका में सुनवाई होगी, हम वहाँ लेंगे इनका क्लास, और बात तो हम मनवा के रखेंगे, क्योंकि हम अखिलेश यादव जी के मानने वाले लोग हैं, समाजवादी के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम धरना प्रदर्शन करके इनका चलना दुर्भर कर देंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अजहर सिद्दीकी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।